दो ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए क्रमशः 10 बजे तथा 10:30 बजे रवाना होती है, जिसकी चाल 60 किलोमीटर तथा 75 किलोमीटर है। तो बताइए कि दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखो, दो ट्रेन हैं जो दिल्ली से पटना के लिए क्रमशः 10 बजे और 10:30 बजे रवाना होती है, और जिसकी चाल क्या बोला गया है, 60 किलोमीटर और 75 किलोमीटर है। तो हमें पूछा क्या गया है, दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी। एग्जाम्पल आप लोग को बताता हूँ। देखो, ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है ना, ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है। देखो, पहला ट्रेन 10 बजे और दूसरा 10:30 बजे, इन दोनों का अंतर होगा, कुछ अंतर होगा ना, डिफरेंट होगा तो 30 मिनट, मतलब आधे घंटे का। 10 बजे और 10:30 बजे है, मतलब इन दोनों में कितना अंतर है, आधे घंटे का ही अंतर है ना भैया। देखो इसका फार्मूला क्या है, पकड़ने में लगा समय, जब पहली ट्रेन 10 बजे जा रही है और दूसरी 10:30 बजे और एक ही दिशा में जा रही है ना, दिल्ली से पटना के लिए क्रमशः, तो उसको पकड़ने में लगा समय क्या आ जाएगा, मोर डिस्टेंस बाई मोर स्पीड। देखो फार्मूला मोर डिस्टेंस पूछा गया है ना, मोर डिस्टेंस मतलब 10 और 10:30 के बीच कितना अंतर है, आधे घंटे का अंतर है, तो 30 मिनट हो गया, मतलब 30 किलोमीटर। ठीक है, जब पहला ट्रेन और दूसरा ट्रेन जा रही है, आधे घंटे के अंतर है, मतलब 30 किलोमीटर का ही अंतर होगा। मोर स्पीड देखते हैं, अब मोर स्पीड के क्या करेंगे, पहला कितने 10 बजे का जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर और दूसरा 10:30 बजे का ट्रेन रवाना हो रही है, कितने 75 किलोमीटर। तो क्या करेंगे, मोर स्पीड में इन दोनों को घटा देंगे, 60 किलोमीटर और 75 किलोमीटर घटाएंगे कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर आ जाएगा। देखो 30 किलोमीटर आ गया इसका मोर डिस्टेंस का, और मोर स्पीड का कितना बचेगा, 15 किलोमीटर। अब इनको दोनों को कैंसिल कर देंगे, कितने का 2 घंटा बचेगा। अब बोलेगा 2 घंटे किसको पकड़ेगी, आप बोलोगे सर दूसरी ट्रेन पकड़ेगी, तो दूरी पूछ रहा है ना, तो दूरी निकालेंगे, दूरी का फॉर्मूला क्या जाएगा, दूरी बराबर 4 गुणी समय, तो कितना है हमारा 75 है, सेकंड वाला ट्रेन कितना है, सेकंड को पकड़ना ना हमें, 75 किलोमीटर है, तो 75 को 2 घंटा हमें कितना था, 2 घंटा था, 75 को 2 से गुणा कर दो, इसका आंसर आ जाएगा 150 किलोमीटर। डेली मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो बस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए एवं नोटिफिकेशन को जो घंटी आता है उसको प्रेस कर लीजिए, और ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न देखिए और तैयारी करें। मैं सिर्फ व्यापम की तैयारी करवाता हूँ दोस्तों, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा यह वीडियो। अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अच्छा से पढ़ो, है ना, आजकल कोई साधारण क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, बस इस वीडियो को देखते रहो, ऐसी ही वीडियो देखते रहो। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन और सबसे आसान तरीका, और सबसे आसान तरीका समझाऊंगा इसको। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन कहता है दो ट्रेन हैं जो विशाखापट्टनम और रायपुर से 8 बजे सुबह क्रमशः 72 किलोमीटर और 88 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर आ रही है। यदि यह ट्रेन एक दूसरे से 10 बजे सुबह मिलती है, क्या बोला गया है, यह ट्रेन एक दूसरे से सुबह 10 बजे मिलती है ना, तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी निकालना है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन कहता है दो ट्रेन विशाखापट्टनम और रायपुर से 8 बजे सुबह क्रमशः और 72 किलोमीटर और 88 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर आ रही है। देखो भैया, इधर एक ट्रेन आ रही है और इधर दूसरी ट्रेन आ रही है भैया, है ना, दोनों ट्रेन जो एक दूसरे की ओर आ रही है, ओके, तो दोनों ट्रेन आ रही है तो भी एक दूसरे की ओर आ रही है ना, तो इन दोनों का किलोमीटर को जोड़ देंगे भैया। देखो दो ट्रेन आने में और जाने में, मतलब एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, तो क्या कर देंगे, इधर का मतलब किलोमीटर को जोड़ देंगे। जैसे कि देखो 72 किलोमीटर घंटा और 88 किलोमीटर की चाल से आ रही है ना, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इधर से आ रही है और इधर से आ रही है ना, तो दो घंटे का आवर हुआ ना, जब हावर और हावर को काट देंगे, मतलब घंटे को काट देंगे, तो कितना बचेगा, दो बचेगा, तब 72 और 88 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 160, और दो को गुणा करेंगे कितना जाएगा, 16 × 2 = 32, मतलब 320 किलोमीटर। देखो क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी होगी, तो कितनी किलोमीटर है, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 320 किलोमीटर हो जाएगा। ट्रेन से संबंधित जितने भी सवाल होंगे इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊँगा दोस्तों, बस सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए और अच्छे से पढ़िए दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।